नमस्कार, महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारी। तो पीएम मोदी के एमपी दौरे से पहले सियासत फिर परवान चढ़ने लगी है। शाह भी भोपाल आने वाले हैं, जहां मोदी के सहारे दलितों को साधेगी बीजेपी। तो अमित शाह दे रहे हैं चुनावी रणनीति को धार। इधर कांग्रेस भी खड़गे के जरिए दलितों को साधने की तैयारी में। तो मोदी खड़गे के दौरे की तारीखों पर भिड़ी है सियासत, करेंगे चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। एमपी में सियासी दौरों का जोर। 26 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आ रहे, तो पीएम मोदी 12 अगस्त को एमपी के सागर आएंगे। संत रविदास जी के मंदिर का शिलान्यास भी करेंगे। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी 13 अगस्त को सागर आने वाले थे। अब कांग्रेस का आरोप कि खड़गे का दौरा फेल करने मोदी के दौरे की प्लानिंग हुई। 13 को हम सभा सागर में इसलिए नहीं कर सकते कि 12 को उसी जगह इस देश का प्रधानमंत्री आ रहा है, नरेंद्र मोदी साहब। सारे साधन ऑक्यूपाई कर लेगी बीजेपी, सारी बसें, जीवें, गाड़ियां, टेंट, हर चीज बीजेपी ऑक्यूपाई कर लेगी, कब्जा कर लेगी। 13 तारीख को हमें कोई साधन मिलेंगे नहीं, तो ये फेल करने का एक जो नज़रिया है उसे हम सफल नहीं होने देंगे। अन्य जगह कराएंगे, उससे बड़ी सभा कराएंगे बुंदेलखंड में। जी, बीजेपी नेताओं के दौरों पर पीसी शर्मा कहते हैं इन्हें जमीनी हालात का अंदाजा हो गया है। इनके नेता अब विधानसभा नहीं लोकसभा की तैयारी के लिए आ रहे हैं। अब बीजेपी में करंट नहीं रहा। सम्मानजनक विपक्ष आ जाए उसकी दौड़ में लगे, और ये अमित शाह जो आ रहे हैं ये चक्कर में नहीं आ रहे कि मतभेद में सगवा ये आ रहे हैं कि इनका जो कुछ होना हो जाए, लेकिन लोकसभा में हमारी स्थिति कुछ ठीक हो जाए, जिससे पीएम मोदी जी फिर से पीएम बने, वो जोड़ तोड़ है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का जवाब, संत रविदास जी के मंदिर के निर्माण का ऐलान सीएम शिवराज ने बहुत पहले कर दिया था, तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी कटाक्ष। इसी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने 6-8 महीने पहले ही कर दी थी। आप वो जनजाति की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, 2 साल पहले, 1.5 साल पहले अमित शाह जी जबलपुर आए थे, 1.5 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे, टंटिया भील से लेके रानी कमलावती स्टेशन तक, कमलापति स्टेशन तक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हम उनके मान और सम्मान के लिए काम करते हैं, कांग्रेस वोटों के लिए काम करती है, इसलिए उसे वोट ही दिखाई देते हैं। मोदी जी का कार्यक्रम 12 तारीख को संत रविदास जी की स्मृति में 100 करोड़ का मंदिर निर्माण का था, और जिस वर्ग, जिस समाज के लिए कल तक खड़गे जी ट्वीट कर रहे थे, अपनी चिंता जाहिर कर रहे थे, आज उसके सम्मान की जब बात आई तो अपने कार्यक्रम को एक दिन पहले करना था या कैंसिल करना था, ये बताता है कांग्रेसियों का और खड़गे जी का जो सम्मान है, जो चिंता है, वो सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना है, इससे अधिक और कुछ नहीं। हालांकि बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी प्रियंका के बाद राहुल गांधी के दौरे प्लान कर रही है, तो संत रविदास जी के मंदिर बनाने पर बीजेपी की मंशा पर भी सवाल दाग रही है कांग्रेस। यानी ओबीसी आदिवासियों के बाद अब दोनों दलों के फोकस में हैं दलित। भोपाल से वासु चौरे, अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो पहले सियासी दलों का फोकस आदिवासियों पर रहा, लगातार बड़े दौरे, बड़े नेताओं की सभाएं कराई गई बीजेपी के जरिए भी, और अब दोनों सियासी दलों का जिक्र करें तो फोकस में दलित हैं। सागर का जहां का हम जिक्र कर रहे हैं, संत रविदास मंदिर बनाने जा रही है सरकार, और इसके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अगस्त को आ रहे हैं। 13 अगस्त को दरअसल खड़गे का दौरा प्रस्तावित था, लेकिन अब यहीं पर क्लैश शुरू हो गया है। चर्चा करेंगे, 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा के लिए। यशपाल सिंह सिसोदिया जी हैं, विधायक बीजेपी, बहुत स्वागत है यशपाल जी न्यूज 18 पर आपका, और भूपेंद्र गुप्ता जी, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग, आपका भी बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी न्यूज 18 पर। वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेले जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। यशपाल जी, बड़ा स्पष्ट आरोप कांग्रेस लगा रही कि भाई आप कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा को, उनके दौरे को फेल करना चाहते थे, इसलिए 12 अगस्त को आपने मोदी जी का दौरा रख लिया सागर में। प्रशांत जी, मैं आपकी रिपोर्ट अभी सुन रहा था जिसमें शायद सज्जन वर्मा जी कुछ टिप्पणी दे रहे थे, और सज्जन वर्मा जी कह रहे थे कि कांग्रेस के इस कार्यक्रम को
फेल करने के लिए मोदी जी की सभा आहूत कर दी गई, जिसके कारण हमको संसाधन नहीं मिलेंगे, हमको वाहन नहीं मिलेंगे, सारे वाहन ऑक्यूपाइड कर लेंगे, आरक्षित कर लेंगे, ऐसा ऐसा आरोप सज्जन वर्मा जी लगा रहे थे। अब हमारा कहना है कि कांग्रेस तो खुद ही फेल हो गई देश में भी और प्रदेश में भी, हम उनके कार्यक्रम को फेल करने के लिए थोड़ी प्रधानमंत्री जी को ला रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी का संगठन तो लगातार पहले से जो संरचना तय की गई है सागर में 100 करोड़ रुपए की लागत का संत रविदास जी का मंदिर निर्माण, और उस मंदिर निर्माण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी यात्राओं के माध्यम से 4 प्रमुख यात्राएं 4 जिलों से निकलेगी, मिट्टी और जल लेकर के हम आने वाले हैं इस पवित्र काम में। रोड़ा अटकाने का काम कर रहे थे खड़गे जी, व्यवधान पैदा करने का काम कर रहे थे खड़गे जी, और अब जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अनुसूचित जाति मोर्चे के लाल सिंह जी आर्य ने जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जिस प्रकार से उनके दौरे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का संगठन और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से इस कार्यक्रम को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पहले से न्योता दे चुके थे, हमारा कार्यक्रम तो बहुत पहले से मोदी जी को लाने का तय हो रहा था। आप तो ये बताएं कांग्रेस के लोग कि खड़गे जी को अचानक आपने क्यों प्रकट किया, और खड़गे जी भी आने वाले थे, मान भी लेते कि 13 तारीख को 13 तारीख के बाद आएंगे, तो क्या रविदास जी के मंदिर निर्माण को लेकर के सकारात्मक भूमिका में आएंगे या नकारात्मक भूमिका में आकर के वे आलोचना करेंगे सरकार के इस महत्वाकांक्षी निर्णय को लेकर के, हम तो कांग्रेस से जानना चाहेंगे। जी जी ठीक भाई, ठीक बात है भूपेंद्र गुप्ता जी। दो बातें, एक तो ये कि जो भाई यशपाल जी कह रहे हैं कि भाई आप पवित्र काम में रोड़ा अटकाने का काम कर रहे थे, दूसरा ये कि क्या खड़गे जी का दौरा तय करने से पहले नहीं मालूम था आपको प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 12 अगस्त को? देखिए पहले से जो बातें की है अरे यशपाल जी उनका मैं जवाब दे दूं, और जो बातें जो है नरोत्तम मिश्रा जी ने करी है उनका मैं जवाब दे दूं, कि कह रहे हैं कि बहुत सम्मान करते हैं, बहुत जो है बड़ी बड़ी बातें इन्होंने, लोग अभी भूले नहीं है जब सिंगर्स हुआ उज्जैन में बाकायदा इन्होंने चिट्ठी निकाली थी कि जो दलित संत है उन दलित संतों को जो है अलग से नहलाया जाएगा, उनके लिए अलग स्थान की इनने बात की थी, और फिर बाद में जब जो है इस पर हम लोगों ने समस्या उठाई सामने इनकी चिट्ठियां एक्सपोज की, तब उसके बाद इनको ये बात जो है उससे बाहर आना पड़ा इनको, और ये जब बाहर आना पड़ा तो इनने 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 बाद में जो है वाल्मीकि आश्रम में एक भोज करा, क्यों करा था ये बताएं जरा, ये कि जो है ये सम्मान देते हैं इस तरह से लोगों को कि जो उनके लिए अलग से कुंभ में सारे जगह पर हिंदुस्तान में जहां भी कुंभ होता है एक साथ स्नान करते हैं सारे लोग, वहां कोई जाति और उसका भेद नहीं किया जाता, जिन्होंने तो सूची बनाने के लिए आदेश निकाला था कि दलित संतों की सूची बनाओ, वो दलित संतों को अलग नहीं लाएंगे, जो लोग इतना भेद करते हैं आज आधुनिक युग में 21वीं सदी में वो लोग जो है किसी का सम्मान करते हैं। आपने जो है एक आदिवासी के पैर धोने का ढोंग किया है, ये ढोंग छतरपुर के जो है दलित के पैर धोके भी कर लीजिए, जरा देखें आपके मन में जो है बराबरी की संवेदनाएं हैं कि नहीं है, आप ही के राज्य में तो ये सारी घटनाएं घट रही हैं, आपके ही जो है आभा मंडल में ये सब जो है पाप हो रहे हैं, इसकी जवाब नहीं देंगे। खड़गे जी क्यों आ रहे थे क्यों नहीं आ रहे थे, खड़गे जी आ रहे थे तो आएंगे, अभी स्थगित हुआ है दौरा, बात सुन लें पूरी बात कर लेने दें, खड़गे जी आ रहे थे तो आएंगे, वो मोदी जी के कारण नहीं रुक रहे हैं ना मोदी जी के कारण रुकेंगे, लेकिन जो जो चीजें सामने हैं आज मध्य प्रदेश में, आप जो है गाड़ देंगे जमीन में दलितों को और उसके बाद आप दलितों का सम्मान कर रहे हैं, मंदिर बना के मूर्ति रख देंगे और उसके बाद जो है मंदिर में प्रवेश नहीं करने देंगे देश की राष्ट्रपति को, आप वहां पर मूर्ति बना के रख देंगे और जो है संसद की जो अब जब भवन की लोकार्पण की पूजा हो रही है तो उसमें नहीं बैठ पाएंगी हमारी राष्ट्र की प्रमुख, ये सम्मान देते हैं आप देश की जनता को, ये सम्मान आप दे रहे हैं इतनी बड़ी आबादी को, और इस सम्मान के बाद ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं। आज मणिपुर में जिस तरह से स्त्रियों का अनादर हो रहा है, आदिवासियों का जिस तरह से अनादर हो रहा है, जिस तरह से चीर हरण हो रहा है द्रौपदी के चीर की तरह, उस पर खामोशी रख लेंगे, सम्मान बहुत करते हैं लेकिन आप दीवार पर फोटोएं टांग के सम्मान करते हैं और जो है फिजिकली उनको असॉल्ट करते हैं, उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज करते हैं,
इसकी चर्चा नहीं करेगी आपकी पार्टी, इस पर जरा सवाल करिए, इस पर जरा जवाब दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस पर जरूर लूंगा मैं जवाब। उससे पहले शर्मा जी के पास जाएंगे। शर्मा जी, हम जहां से हमने शुरुआत की थी वहीं पर आएंगे। पहले आदिवासियों पर लगातार फोकस रहा, अब हम चाहे कहें कि वो आपने स्टेशन का नाम बदल दिया, बड़ी बड़ी सभाएं आयोजित हो गई आदिवासियों के लिए, अब फोकस में दलितों को रखा जा रहा है। ये दो बड़े बड़े वोट बैंक, न केवल हम मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नजरिए से देखें, देश को संदेश देने की कोशिश हो रही है। देखिए माननीय प्रशांत जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि अभी जो वर्तमान में राष्ट्रपति चुनी हैं वो इसी का एक परिणाम है कि देश में संदेश देना चाहते हैं। हालांकि संदेश कांग्रेस पार्टी ने भी दिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को बनाकर। हाँ, खड़गे जी को बनाकर, उसके पहले के आर नारायण राष्ट्रपति रहे, मीरा कुमार लोकसभा की अध्यक्ष रहे, बाबू जगजीवन राम रहे, कांग्रेस ने भी किया, बीजेपी ने भी किया है कि कोविंद जी को भी बनाया था, इनको बनाया, और इसके पहले भी पार्टी अध्यक्ष भी बहुत सारे रहे हैं उनके। अब देखिए जहाँ तक जो इन वर्गों के पीछे जो दोनों दलों का आकर्षण का जो केंद्र है वो है सत्ता जी, कि सत्ता में हम कैसे बने रहें, ये इसके लिए चाहे कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये जो भी अखिल भारतीय स्तर के राजनीतिक दल हैं वो उन पर फोकस करते हैं, अंबेडकर पर फोकस करते, जिससे कि उस वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्ग के लोग हमारी तरफ आकर्षित हो, हमारे लिए वो मतदान करें। हालांकि जो दलित शब्द की बात आ रही है, संविधान में उसका कहीं का उल्लेख नहीं है, संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, अब ये जो मध्यप्रदेश में जो ये दौरे माननीय अमित शाह जी के 26-27 तारीख को हो रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आएंगे सागर में 12 तारीख को, इसके पीछे देखिए एक प्रशांत जी 3-4 कारण मैं बताने की कोशिश करूंगा, जिस पर कि लोग ना केवल विश्वास करेंगे बल्कि अध्ययन भी करेंगे। पहला कारण ये है कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की 47 सीटें हैं, अनुसूचित जाति की 35 सीट है, कुल मिलाकर 82 सीट होती हैं। और अभी 2018 के विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जनजाति की सीटें कांग्रेस 30 जीती, भारतीय जनता पार्टी 16 जीती, अनुसूचित जाति की सीट कांग्रेस 17 जीती और भारतीय जनता पार्टी 18 जीती। तो जिस दल के प्रति इन वर्गों का रुझान और मतदान हो जाता है उसकी सरकार बन जाती है, इसके पीछे एक ये कारण है। और 2-3 कारण और हैं कि जब जैसे अमित शाह जी आ रहे हैं, माननीय मोदी जी आ रहे हैं या खड़गे जी आएंगे, तो एक तो क्या है कि जमीनी हकीकत पता करेंगे कि क्या चल रहा, साथ में फीडबैक भी लेंगे। फीडबैक के अलावा जो छोटे बड़े नेताओं में जो मतभेद हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे, जिनकी जो महत्वाकांक्षा रहती है उनसे मेल मुलाकात करके उनको जवाबदारी देंगे। इसके साथ साथ एंटायर पार्टी को जो है ना वो उत्साह और संचार से भर देंगे। इसके अलावा जो राजनीतिक दलों का कामकाज है, चुनाव में नेताओं का आना जाना बना रहता है, और चूंकि जमीन पर आते हैं तो बहुत सारी चीजों को वो खुद अपने नजरिए से, अपनी आंखों से, अपने कानों से देखते हैं, समझते हैं, तभी वो उस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि टेलीफोन के वर्चुअली उतना नहीं हो पाता। तो एक तो ये है, इसी तरह से माननीय खड़गे जी भी आएंगे, और साथ में जो नेता आते हैं वो अब माननीय खड़गे जी आएंगे तो वो दल अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं तो उनमें वो मैसेज देने का कोशिश करेंगे। अमित शाह जी चूंकि गृह मंत्री हैं, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो वो एक सरकार के बड़ी शख्सियत है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, तो वो पूरा का पूरा एंटायर मध्य प्रदेश में अपना मैसेज देने की कोशिश करेंगे। तो ये उसके कारण मैं समझता हूँ। बिल्कुल, ये तमाम जो कारण आपने गिनाए बहुत वाजिब कारण भी हैं। यशपाल जी के पास जाऊंगा। यशपाल जी, कई सवाल भूपेन्द्र जी ने उठाए थे, मणिपुर से लेकर राष्ट्रपति तक का सवाल उन्होंने उठा दिया कि इनॉग्रेशन में भी आपने उन्हें नहीं बुलाया, इन पर जरूर एक रिएक्शन आपका। देखिए प्रशांत जी, एक जमाना, एक दौर था जब कांग्रेस के जमाने में, कांग्रेस की इस सत्ता में एक दलित महिला के साथ जब रेप होता है, बलात्कार होता है, वही महिला यदि पुनः थाने में जाकर के, कांग्रेस के जमाने को याद दिला रहा हूं मैं, आज से 15-18-20 वर्ष पहले, तब उस दलित महिला के ऊपर पुनः रेप किया जाता है उन कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, ये रिकॉर्ड बोलता है। दूसरा, पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक आदिवासी
महिला को राष्ट्रपति महोदया के पद पर आसीन किया है। कांग्रेस तो वही कांग्रेस है ना प्रशांत जी, जो राष्ट्रपति महोदय को महोदया को राष्ट्रपति कहती है। अरे कांग्रेस के लोगों को तो शर्म आना चाहिए कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कहते हैं। और हम तो पूछना चाहेंगे, महू जन्मस्थली है अंबेडकर जी की, अंबेडकर जी के उस महाकुंभ को किसने प्रारंभ किया, स्मारक किसने बनाया, कौन कांग्रेस का प्रधानमंत्री आज तक, तब तक कांग्रेस के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, महू में जाने का उन्होंने प्रयास किया। अरे महू में कोई प्रधानमंत्री गया भी है अंबेडकर जी की जन्मस्थली पर, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी गए हैं। और देखिए, हमने कभी संतों को भूपेंद्र जी जाति वर्ग समाज में नहीं बांटा है। संत की कोई जात नहीं होती है, संत का कोई धर्म धर्म निरपेक्ष होता है, संत सब समाज का होता है। सभी 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 कई कई जैन जैन समाज के जैन समाज, मैंने आपकी पूरी बात सुनी भूपेंद्र जी, आप मेरी बात सुन लीजिए, आपको मेरी बात सुनना पड़ेगी क्योंकि मैंने आपकी बात सुनी है। जैन समाज के कई संत ब्राह्मण राजपूत होते हैं, विभिन्न धर्म के होते हैं। जैन समाज के भी कई संत विभिन्न जाति वर्ग समाज से आते हैं और वो संत बनते हैं। आपने और हमने आपकी बात मैंने बहुत ध्यान से सुनी, मेरी बात सुनना पड़ेगी, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। मैं आपकी एक बात में व्यवधान खड़ा नहीं किया, आप व्यवधान खड़ा मत कीजिए। हमने कहा पांव पखारने का काम भी, पांव पखारने का काम भी वाल्मीकि समाज के लोगों का, सफाई कर्मचारियों का पांव पखारने का काम भी यदि किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, मुख्यमंत्री शिवराज जी ने किया, चाहे सीमत हो चाहे वो वाराणसी हो। आप वो चीजें नहीं बताना चाहते, आप तो नेगेटिव परोसना चाहते हैं। कांग्रेस की आदत हो गई है फूट डालो और राज करो। हमने एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया है, हमने दलित के रूप में कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया है। आप तो नेहरू परिवार और गांधी परिवार से कभी भारी नहीं आए हैं। आज यदि बात आ रही है, आज यदि बात आ रही है तो सदन में लोकसभा में भूपेंद्र जी आप सवाल, जब प्रधानमंत्री जी जब हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस सुने, हम मणिपुर के बारे में जवाब देना चाहते हैं, कांग्रेस तो सुनना ही नहीं चाहते हैं। अगर सदन में फ्लोर पर भारतीय जनता पार्टी आदरणीय गृह मंत्री जी अपना वक्तव्य दे देंगे ना, तो सारी कलाइयां खुल जाएगी कि मणिपुर में आखिर वास्तविक स्थिति हो क्या रहा है। आप लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, आप भ्रम पैदा करने का काम करते हैं, आप राजनीति करते हैं वोटों की, हम राजनीति करते हैं समाज सेवा की। जी भूपेन जी, कई उदाहरण राजपाल जी गिना रहे, महू का जिक्र भी वो कर रहे हैं, राष्ट्रपति पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बीजेपी ने ही दी। भूपेन जी देखिए, जब जो है भले लोग झूठ बोलने लगते हैं तब निश्चित रूप से हैरानी होती है, कई बार अपने आप को शर्म भी लगती है कि जब भले लोग बिगड़ रहे हैं तो अब जो है अच्छे बुरे लोगों का क्या हाल होगा। ये बताएं जरा कि ये यूनिवर्सिटी किसने बनाई, मऊ में अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, किस झूठ बोलने में कोई लाज भी नहीं आती, किसने पहली बार उसका नाम अम्बेडकर नगर नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आप कौन डिस्टर्ब कर रहा है, आप उससे कह रहे थे डिस्टर्ब कैसा लग रहा था, आप जब यशपाल जी बुरा नहीं लग रहा होगा, जवाब सुनेगा, आप मुझे चिल्लाए मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा, कैसा लग रहा था, मैं आपकी चिल्लाए बुरा नहीं लग रहा होगा, इससे आप अगर भूपेन जी मैं स्वाधीनता के साथ डिबेट करता हूं ना, मुझे बुरा नहीं लग रहा, आप चिल्लाते हो, आप और चिल्ला सकते बोलिए, हम बोलते तो आप चिल्लाते हो, आप बोलिए ना, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मान रहा हूँ, यशपाल जी जवाब दीजिएगा, यशपाल जी सुन लीजिए फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। भूपेन जी ये सारी बातचीत जो हमने इनसे कही है ये कितना झूठ बोलते हैं। मैं उस अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का पहला जो है मेंबर बनाया गया था अर्जुन सिंह के समय, ये झूठ बोलते हैं, हम नोटिफिकेशन दिखा देंगे, और ये तो विद्वान व्यक्ति हैं, विधानसभा की कार्रवाई समझते हैं, ये बोले ना यहाँ पर हिम्मत करके इस चैनल पर बोल दें, क्यों 267 के अंतर्गत आप चर्चा नहीं करा रहे, नियम होते हैं ना लोकसभा में, विधानसभा में भी नियम होते हैं, अगर विपक्ष मान कर रहा है कि 267 के तहत आप जो है जवाब दीजिए, क्यों भाग रहे हैं इससे पीछे, किस बात के लिए भाग रहे हैं, बड़ी पोल खोल देंगे आप, क्या पोल खोल देंगे कि ये पोल खोलेंगे आप कि आपका मुख्यमंत्री कह रहा है ऐसे सैकड़ों केस हो रहे हैं रोज, ये पोल खोलेंगे आप, ये पोल खोलेंगे कि आपका इंटरेस्ट जो है वहां की जमीनों में है, ये पोल खोलेंगे आप,
क्या प्लेटिनम और निकल के पीछे दौड़ रहे हैं? आपको फिक्र नहीं है कि वहां पर लोग मर रहे हैं, वहां के आदिवासी मर रहे हैं, वहां के जीवन पर आप हमला कर रहे हैं, इसकी फिक्र नहीं है आपको? आपको फिक्र इस बात की है कि हम तो जवाब देना चाह रहे हैं तो संसद में क्यों नहीं दिए जवाब, बाहर आकर क्यों दिया, इसका जवाब भी नहीं दिया आप। ठीक है, सदन में सुनना चाह रहे हैं जी, 1993 में भूपेन जी, एक तर्क ये भी है कि भाई 1993 में गृह राज्य मंत्री ने मणिपुर में जब हिंसा हुई थी, तब गृह राज्य मंत्री ने जवाब दिया था, प्रधानमंत्री से जवाब की क्या जरूरत है अगर गृह मंत्री खुद खड़े हो रहे। मैं आऊंगा इस पर आपके पास दोबारा, लेकिन शेषपाल जी थोड़ा सा हम ट्रैक पर लाते हैं। पीसी शर्मा जी एक बात कह रहे हैं, ठीक है ठीक है, आपकी चैनल ने सवाल उठाया, इसका उत्तर सुन लीजिए आप। आप जो है वहां पर 2008 के बाद निरंतर शांति रही है, वही हमने शांति कायम की है, और जब जिस उसमें जवाब मांगती है प्रतिपक्ष, उस कानून के तहत लोग जवाब देते हैं। आप लोकसभा की कार्रवाई उठा के और रिसर्च करके बात करिए कि क्यों जवाब दिया था गृह मंत्री ने या क्यों जवाब नहीं दिया था गृह मंत्री ने। ये बातें जो है हवा में करने वाली बातें नहीं है। जो विपक्ष मांग करता, हम आज मांग कर रहे हैं कि जवाब जो है 267 के तहत जवाब दीजिए। क्यों भाग रही है बीजेपी? जवाब दीजिए आप, हम लेने तैयार हैं। आप संसद के बाहर आकर 36 सेकंड का जो जवाब आपने दिया है, इसलिए दिया है कि सदन के फ्लोर पर आप बचना चाहते हैं और आप सदन के फ्लोर पर नंगे होने से डरते हैं। आप बोलिए ना, राजपाल जी इस पर एक छोटा रिएक्शन, दूसरा मध्य प्रदेश पे लौटूंगा जी, राजपाल जी फिर मध्य प्रदेश पे जी, एक मध्य प्रदेश पे लौट रहा हूँ, केंद्र पर बहुत जी जी बहुत बहुत चर्चा हो रही है, तमाम राष्ट्रीय चैनल चर्चा कर रहे हैं उस पर, मैं मध्य प्रदेश पर आऊंगा। पीसी शर्मा साहब कह रहे हैं कि जो बड़े नेता बीजेपी के दौरे कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, जमीनी स्थिति उन्हें पता हो गई है, प्रदेश सरकार को लेकर हकीकत पता है, अब तैयारी केवल लोकसभा की कर रहे हैं। अरे प्रशांत जी, पीसी शर्मा जी बंद कमरे में बैठ करके राजनीति करते हैं, कांग्रेस हमेशा एयर कंडीशनर रूम में बैठ करके राजनीति करती है। हमारे यहाँ बूथ के अध्यक्ष का, पन्ना प्रमुख का भी उतनी वैल्यू और वजन है जितना हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व। हम तो चुनाव को चुनाव के दृष्टिकोण से लड़ते हैं और चुनाव में संगठन की ताकत, सरकार की जवाबदेही, ये सब लेकर के हम चलते हैं। पीसी शर्मा जी, आप भारतीय जनता पार्टी को क्या समझ पाओगे तब जब हमारे प्रदेश में अगर हमारे जो बूथ विस्तारक हैं, अगर बूथ विस्तारक की 3000 लोगों की बैठक को संबोधित करने के लिए सेकंड में भूपेंद्र गुप्ता जी देखिए भाई, बीजेपी की तैयारियां आपको ज्यादा पता है, जमीन पर कांग्रेस अगर अमूमन विश्लेषकों की बात करें तो वो कहते हैं बीजेपी के मुकाबले कम नजर आती है। भूपेंद्र जी 30 सेकंड। देखिए हमारे यशपाल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ पर जो है पन्ना प्रमुख तक की बड़ी इज्जत है, तभी तो इनका नेता जो है अदालत में जाकर कहता है कि हमारा विधायक 55 करोड़ में बिका था। ये तो अदालत में बयान दिया है, सड़क पर चले चले आवाज कट रही। मैं शर्मा जी के पास जाऊंगा आखिरी सवाल लेकर। शर्मा जी बड़ी आरोप और या हम कहें कि दावे बहुत सारे हो रहे हैं कि भाई अब विधानसभा नहीं लोकसभा की तैयारी है, वास्तविकता क्या नजर आती है, जमीन पर किसका और संगठन और सक्रियता, उस लिहाज से एक छोटा विश्लेषण। देखिए अब तो मध्यप्रदेश में माननीय प्रशांत जी इलेक्शन कैंपेन चालू हो चुका है। प्रियंका गांधी जी ने ग्वालियर में एक सरकार के ऊपर एक आरोप पत्र जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी के लगातार कार्यक्रम हो रहे, बहुत सारी योजनाएं उनकी चल रही है उनकी, जैसे माननीय अमित शाह जी 26-27 को आ रहे हैं, माननीय मोदी जी आ रहे हैं, तो अब ये मध्यप्रदेश में तो एकदम एक तरह से चुनाव चालू हो चुका है। अब जहां तक किसकी जमीन तगड़ी है, किसकी जमीन अच्छी है, ये तो नवंबर 2023 तय करेगा कि मध्यप्रदेश का जो प्रभुत्व और समाज जो है, जो यहाँ का जो बहुत ही समृद्ध मतदाता है, वो किसके पक्ष में मतदान करता है। लेकिन हाँ ये है कि जैसे देखिएगा आप कि अभी कांग्रेस पार्टी ने आरोप पत्र जारी कर दिया, उसी प्रकार से जैसे आप अपने चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि कल संकल्प कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र आएगा। तो अभी माफी के साथ रुकूंगा, वक्त बहुत कम है, लेकिन आम जनता बहुत अब चतुर भी हो गई और अमूमन होता यह कि आखिरी वक्त तक अब जनता अपने पत्ते नहीं खोलती है। बहुत शुक्रिया यशपाल जी, भूपेंद्र गुप्ता जी, शर्मा जी, बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। डिबेट में इतना ही।